हाय गाइस, घर पर अपने बालों को कैसे कैरेटिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी नेचुरल तरीके से, चलिए आइए देखते हैं। बहुत लोगों का मेल आ रहा था आप लोगों का कि हमने बाहर से कैरेटिन करवाया है, जिसके बाद उस टाइम तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन बाद में हमारा हेयर फॉल इतना ज्यादा बढ़ गया कि गंजे होने लगे हम। बिल्कुल सही, क्योंकि मार्केट में जो कैरेटिन ट्रीटमेंट किया जाता है वो एक बार एक महीने के लिए तो आपके बालों में असर दिखाता है, उसके बाद उसमें जो मिले हुए केमिकल्स होते हैं वो आपकी रूट में असर दिखाना शुरू कर देते हैं और आपके बालों को बेजान कर देते हैं। आपके बालों में ड्राइनेस रफनेस वापस से आने लगती है और आपका हेयर फॉल कहीं गुना बढ़ जाता है और आपके सर का जो वॉल्यूम है बालों का वो बहुत ही कम हो जाता है। इसी वजह से मैं आज आपको बताने वाली हूँ घर पर आप कैसे कैरेटिन करके अपने बालों को प्रोटीन भी दे सकते हैं और नेचुरली उनको स्ट्रेट बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो पूरा देखें तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि कैरेटिन होता क्या है। कैरेटिन हमारे बॉडी में, हमारे नेल्स में, हमारे बालों में पहले से ही पाया जाता है। एक तरह का ये प्रोटीन होता है। जब इसकी डेफिशिएंसी होने लगती है तो उसकी अपर लेयर टूटने लगती है, यानी हमारे बाल या स्किन में हमारा कैरेटिन कम हो जाए तो उससे हमारी स्किन डल होती है, बुढ़ापा आता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो इसी वजह से हम कैरेटिन करते हैं, जिससे कि वो पोषण उनको मिल सके। लेकिन बाहर वाला कैरेटिन केमिकल वाला होता है जो एक महीने के असर के बाद आपके हेयर फॉल को और ज्यादा बढ़ा देता है, आपके बालों को बिल्कुल बेजान बना देता है। अपने बालों को तोड़ के देखना वो कितना टाइट और मोटा होगा। जब आप कैरेटिन या स्मूथनिंग कराएंगे तो आपका बाल बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा और इंस्टेंट टूट जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या लेना है? केला। केला सुनकर भाग मत जाइएगा। ये केला आज मैं जिस तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगी, क्योंकि आप कहते हैं केला जो इस्तेमाल करो बालों में से नहीं निकलता। आपने लेना है एक कटोरी, ऊपर लेना है मलमल का दुपट्टा, बिल्कुल पतला बारीक वाला। उसमें डालने हैं आपने दो केले, उनको अच्छे से हाथ से मैश करते हुए उसका सारा पल्प निकाल लेना है एक बाउल में, जो आपके बालों में फंसेगा भी नहीं और आपके बालों को पूरा पोषण भी देगा। इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है आधा पपीता। पपीते को अच्छे से छील लीजिए और मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पल्प बना लीजिए। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। हमने आधा पपीता और दो केला अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साथ में उसमें ऐड करना है 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच हनी। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपनी जड़ों से लेकर अपने पूरे बालों की लेंथ तक उसको अच्छे से लगाएं एक एक बाल में। अगर ऐसा खुद नहीं कर पा रहे तो अपने घर में किसी की हेल्प ले लीजिए। बचा हुआ आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अगली बार के लिए, ये 2 बार आसानी से चल जाएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से लगाने के बाद 40 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बालों को ऐसे ही। उसके बाद अपना नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके बाल कितने ज्यादा स्ट्रेट हो गए हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं तो महीने में इसको 6 बार लगाएं और अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप महीने में इसको 4 बार इस्तेमाल करें। तो आज का मेरा ये कैरेटिन ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा? अंदर से इंटरनली हेल्दी डाइट भी लें, हेल्दी फूड इनटेक करें, बाहर का जंक फूड अवॉइड करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, दूध ज्यादा पियेंगे, चाहे पसंद ना भी हो फिर भी पीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। तो हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी दिखेंगे, अच्छी चीजें हमेशा आपके स्किन पर उभर उभर कर आएंगी। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।